चालू करते हैं अभी PYQs ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स. ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोहाइड्रेट C12H22O11 इज एन एग्जांपल ऑफ. देखो C12H22 इज अ शुगर, या हमें पता है अपना सुक्रोज स्टेबल शुगर का फॉर्मूला है. उसके अगर हम लोग कॉन्क H2SO4 डालेंगे, और हमें पता है कॉन्क H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिमूव्स ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स. और इसमें क्या है, C12H22O11. ओके, तो इसमें से सारा वाटर निकाल देगा, तो इट विल कन्वर्टेड टू 12 कार्बन, मतलब कार्बन ब्लैक जिसको बोलते हैं हम लोग, कार्बन ब्लैक. इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बन ब्लैक. तो ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नेक्स्ट इज सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स. नाउ वी नो सुक्रोज नॉर्मल टेबल शुगर इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, ग्लूकोज. ओके, ये हम लोग नॉर्मल बायोलॉजी बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ना उसमें अल्फा बीटा भी आपको उसको देखना है. ओके, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज. अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज नहीं, अल्फा ग्लूकोज. फिर ग्लूकोज ग्लूकोज का नहीं बना है, बीटा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज का नहीं बना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज. देखो इसमें आपको फर्क क्या देखना है, देखो इसमें दिया है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज. अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, दोनों ही ऑप्शन सेम है, सेकंड और फोर्थ. ओके, इसमें थोड़ा गलत किया रहेगा इन लोग ने, बट ऑप्शन नंबर दोनों ही करेक्ट है, बी और डी दोनों करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में आप देख रहे हो, दोनों ही ऑप्शन में आपको दिया है कि अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर. नॉट रिड्यूसिंग शुगर मतलब नॉट रिड्यूसिंग शुगर आर द शुगर्स विद नो फ्री फंक्शनल ग्रुप्स. और हमें पता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल. एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, ये तीन फंक्शनल ग्रुप्स आपके आ सकते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, इन कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, बट इसमें से आपके ये तो प्रेजेंट होने चाहिए टू अ शुगर टू बी रिड्यूसिंग. मतलब कोई भी शुगर रिड्यूसिंग है कि नहीं है, उसका बेसिस कैसा बनता है, अगर एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड कीटोन, फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा. ओके, अगर प्रेजेंट है तो, अगर नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा. ओके, दिस वुड बी द बेसिस. नाउ नॉन रिड्यूसिंग का आपको एग्जांपल्स याद है तो वो भी ठीक है. सबसे अच्छा देखो, माल्टोज, ग्लूकोज, ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग. ये स्टेटमेंट याद रख लो, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग. ओके, डाइसैकेराइड्स कुछ हो भी सकते, कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बीच में फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इफ द फंक्शनल ग्रुप इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, देन इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो कि होता है सुक्रोज में. ओके, सुक्रोज में आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप, फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन, बट इट्स नॉट फ्री फॉर रिएक्शन, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा. ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, तो ये रिड्यूसिंग होगा ही. माल्टोज और लैक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग, दोनों ही रिड्यूसिंग है ड्यू टू फ्री फंक्शनल ग्रुप. ओके, नाउ अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सामिल हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म एंड ईल्स एन ऑक्साइम. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइम वुड बी, लेट्स सी, अभी हमें क्या बोला है, ग्लूकोज, ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो क्या बनेगा आपका देखना चाहिए. ओके, नाउ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज इज एन एल्डोस शुगर, 6 कार्बन का शुगर है. तो देखते इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, HOH, थर्ड कार्बन पे OH उल्टा हो जाता है, फिर ये OH, H, यहाँ पे OH, H, ऐसे चार दिख गए, ये 5 कार्बन ही हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, छठवा कार्बन इधर CH2OH. ओके, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइल अमीन. हाइड्रोक्साइल अमीन क्या है, अमाइन में से एक अमोनिया में से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दो, अमाइन में से एक H2 निकाल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH डाल दो, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा आपका. ये NCERT में डायरेक्ट रिएक्शंस दिए हैं, तो आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख दो, बाकी सब स्ट्रक्चर्स तो सेम रहेंगे, खाली वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा. ओके, क्योंकि हमें पता है, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स रिएक्ट विद दिस हाइड्रोक्सिल अमीन, तो इसमें ये पूरे चेन में फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिंग कौन है, एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड इस केस में तो एल्डिहाइड ही रिएक्ट करेगा. ओके, जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एल्डिहाइड के चैप्टर में देख रहे थे वही मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, ऑक्साइम बनाएगा, CH NOH, और इसके पास एक लोन पेयर. ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने मिल रहा है,
देखो यहाँ पे इन लोग ने ये तो दिया है, अगर आपने टिक कर दिया तो आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि देखो दो OH साइड दिया है और हमें पता है बेसिक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में थर्ड वाला कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लोग नंबरिंग किधर से करते हैं, बेसिक आपका GOC जनरल ऑर्गेनिक चालू हो गया, LDH मतलब फंक्शन ग्रुप जितना रहेगा मेन फंक्शन ग्रुप, सेकंड थर्ड, थर्ड कार्बन का होगा उल्टा होना चाहिए, तो दोनों ही कार्बन का है तो गलत हो गया। अगेन देखो सेकंड और थर्ड का उल्टा है, देखो सेकंड और फोर्थ का उल्टा है, ये भी गलत, और यहाँ पे फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पे इन लोग ये चेक नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो गया, बट यहाँ पे इन लोग हाइड्रोक्सिल अमीन का ये स्ट्रक्चर आपसे चेक नहीं कर रहे, आपको बेसिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं ये चेक कर रहे थे, बेसिक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं वो चेक कर रहे थे इन लोग यहाँ पे, जो कि हमें फोर्थ वाले ऑप्शन में मिल गया। ओके हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म सुक्रोज, अगेन देखो वापस आपको आ गया सुक्रोज के ऊपर, तो अभी हम लोग ने पहले ही बोला था कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ सुक्रोज नॉट सैक्रोज, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज से बना है और बीटा फ्रक्टोज से बना है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया, तो दोनों ही डी डी फॉर्म लोगे ग्लूकोज, और ये डी और एल फॉर्म कहाँ से आता है, डी और एल फॉर्म अगर आपका OH राइट हैंड साइड में है तो डी फॉर्म, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल फॉर्म, लास्ट वाला OH, ओके या तो डी और एल फॉर्म, अगर लास्ट वाला OH जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वाला OH सेकेंड लास्ट कार्बन पे, ये वाला OH किस साइड है, राइट साइड पे है, तो ये डी फॉर्म हो गया, ये डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हैं हम लोग, ओके ये डी एल एल फॉर्म होता है, तो दोनों ही डी है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, बट अब आपको रिंग के बेसिस पे पूछा है, देखो पाइरिनोज और फ्यूरिनोज दो रिंग हो गए, पाइरिनोज रिंग, पाइरिनोज रिंग होगा एक और एक फ्यूरिनोज होगा, फ्यूरिनोज, तो फ्यूरिनोज कौन बनाएगा आपका फ्रक्टोज, अब पायरिनोस कौन बनाएगा आपका ग्लूकोज, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, देखो हमें पता है कि बेसिक देखते बेसिक से चालू करते हैं, अगर हमें बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होने चाहिए, देखो यहाँ पे गैलेक्टोज आ गया तो ऑप्शन नंबर वन गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ठीक है ये तीन ऑप्शन में देखा है, अभी अल्फा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है, तो ये हो सकता है पार्शियली, तो मैं प्लस माइनस डाल रहा हूँ, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बीटा ग्लूकोज नहीं हो सकता, फिर वापस अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, चलो दो नॉलेज के ऊपर दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ओके तो ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर बी या डी में ही होगा कुछ ना कुछ, अभी देखो इन लोग ने पाइरिनोज और फ्यूरिनोज मतलब रिंग का अरेंजमेंट आना चाहिए, ये उन लोग ने उस बेसिस पे पूछ लिया, तो देखो मैंने बोला था ग्लूकोज पाइरिनोज रिंग बनाएगा, फाइव कार्बन रिंग, और फ्यूरिनोज इज अ फोर कार्बन रिंग, एफ से फोर, एफ से फ्यूरिनोज, एफ से फ्रक्टोज, सारे के सारे सेम ही हो गए, तो आपको ऐसे याद रखना है, तो आपको कहाँ दिख रहा है ग्लूकोज ग्लूकोपाइरिनोज रिंग एंड फ्रक्टोफ्यूरिनोज, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अल्फा सॉरी प्लस लैक्टोज, प्लस मतलब डी लैक्टोज, प्लस वाला साइन हम लोग डी को भी मतलब राइट हैंड साइड पे, तो उसको डी को हम लोग प्लस दिखा सकते हैं और एल को हम लोग नेगेटिव दिखा सकते हैं, तो ये तो हमारा ये बेसिक नॉमन कल्चर हो गया टू आइडेंटिफाई समथिंग, जो हम लोग ने दे दिया है नाम कि ऐसा इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन पढ़ते हैं, नॉट ट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट हमें निकालना है क्या, ओके ऑन हाइड्रोलिसिस अल्फा लैक्टोज इक्वल गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ओके सबसे पहले देखो लैक्टोज किससे बना है, मतलब इन लोगों ने मोनोमर से बारे में पूछ लिया, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ओके लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो और ये हमें इसके पता है कि इसका नेचर क्या है, रेड्यूसिंग, जो भी हम लोग ने ऊपर पढ़ के आया है क्योंकि इसमें फ्री ग्रुप आता है, फिर देखो तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है, ठीक है देखते हैं, फिर लैक्टोज इज अ बीटा गैलेक्टोसाइड फॉर्म्ड बिटवीन द यूनियन ऑफ अल्फा ग्लूकोज मतलब डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ठीक है बीटा गैलेक्टोसाइड इज बॉन्ड भी पता ही है, ठीक है फिर लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटो रोटेशन, लैक्टोज दिस एग्जिबिट्स 8 OH ग्रुप, इसने पूछा नॉट ट्रू मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर वो तो ठीक है बट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटो रोटेशन, ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट, ओके इट एग्जिबिट्स आपका मीटर रोटेशन, मीटर रोटेशन इसमें होता है, ओके तो ये देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, तो ये पुराने कंसेप्ट पे भी बेस्ड है, म्यूटर रोटेशन क्या होता है, म्यूटर रोटेशन देखो अल्फा और बीटा फॉर्म में आपको अगर फर्क पता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में क्या होता है, बीटा फॉर्म में आपका OH इज ऑन अपर साइड, OH इज ऑन अपर साइड और यहाँ पे OH इज ऑन लोअर साइड, ये आपका हो गया अल्फा और बीटा फॉर्म के बीच में डिफरेंस, ओके जब भी हम लोग रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हमें पता है अगर हमें ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो 5 कार्बन रिंग देखने मिल रहा है, ओके और यहाँ पे 6 छठवा है ग्रुप O का, यहाँ पे फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड
थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसा होता है, फर्स्ट और सेकेंड. सेकेंड में अगर ओ एच ऊपर आ गया तो दिस वुड बी द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अगर ओ एच नीचे आ गया तो इट वुड बी द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ये होता है. तो ये जो चेंजेस ये पॉसिबल है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटर रोटेशन. तो ये लैक्टोज में पॉसिबल है, तो यहाँ पे दिया डज नॉट एग्जिबिट, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है. बाकी ये ग्लूकोज गैलेक्टोज का इक्वल मोनोमर देगा ऑब्वियसली. फिर ये ग्लाइकोसिडिक बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये अगर आपने पढ़ा भी नहीं रहेगा तो आपने अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ओके, तो उसमें अगर आपने देखा रहेगा कि लैकोपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनता है. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम किसको बनता है, मतलब लैक्टोज को तोड़ने के लिए बनता है. और बीटा गैलेक्टोसाइडेस हमें पता है कि एंजाइम का नाम वो किसके ऊपर काम कर रहा है उसके बेसिस पे होता है. बीटा गैलेक्टोसाइड बॉन्ड पे काम करेगा तभी तो उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेस. उस नॉलेज को यूज करके मैंने ये बोल दिया कि हाँ ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. फिर मुझे ये पता नहीं कि ये है कि नहीं, बट अगर स्ट्रक्चर पता है तो ये हो सकता है. बट मुझे गलत स्टेटमेंट मिल गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. वैसे ही बहुत पुराना क्वेश्चन है फिर भी ओके. Which of the following does not exhibit the phenomena of mutual rotation? Mutual rotation किसमें possible नहीं है? देखो mutual rotation again a very primitive concept आ गया है यहाँ पे, जो कि हम लोग ने पहले भी बात किया था इसके बारे में. देखो आपके जितने भी आपके reducing sugar है, जितने भी आप इतना याद रख लो, जितने भी आपके reducing sugar है वो mutual rotation दिखाएंगे, mutual rotation दिखाएंगे. और जितने भी non reducing sugar है वो आपके mutual rotation नहीं दिखाएंगे, no mutual rotation. ओके अगर आप इतना की कंसेप्ट याद रखोगे तो आपके पुराने क्वेश्चंस अगर आ भी गए बाय चांस तो भी हो जाएंगे. लैक्टोज रिड्यूसिंग है, माल्टोज रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है तो रिड्यूसिंग है, तो ये भी दिखाएगा म्यूटर रोटेशन. तो बचा क्या, सुक्रोज विल नॉट शो म्यूटर रोटेशन. तो आपको कंसेप्ट क्या यूज करना है, रिड्यूसिंग शुगर शोज म्यूटर रोटेशन, नॉन रिड्यूसिंग डज नॉट शो म्यूटर रोटेशन. ओके नाउ फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट ड्यू टू इनलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस एसिमेट्रिक कार्बन, फिर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप. देखो टॉलेंस रिएजेंट को यूज करने और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने का मतलब टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, मतलब टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है. टॉलेंस टेस्ट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा एल्डिहाइड ग्रुप में. तो टॉलेंस टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है आपका तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो कीटोनिक ग्रुप है तो हमें पता है कि ग्लूकोज में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है. और आपका फ्रक्टोस में आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है, फ्रक्टोस में आपका फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन. ओके सम कीटोन्स कैन आल्सो गिव टॉलरेंस टेस्ट, एल्डिहाइड तो देगा टॉलरेंस टेस्ट, सम कीटोन कैन गिव क्या बोला है आफ्टर इनोलाइजेशन फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके और ये देता भी है, फ्रक्टोस देता भी है, तो उसका ही इन लोग ने खाली रीजन पूछा है क्यों देता है और कैसे देता है, ड्यू टू द इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोस फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस. ओके सेल मेम्ब्रेन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट्स फॉस्फोलिपिड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट. सेल मेम्ब्रेन किसका कंपोज होता है, इट इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स. ओके फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ये तो हमें पता ही है, प्रोटीन्स होते हैं बट प्रोटीन्स आर ओनली कैरियर्स, मतलब चैनल की तरह होते हैं उसमें, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन्स भी फाइंड होगा बट मेनली फॉस्फोलिपिड होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी प्लस ग्लूकोज. ओके तो देखते हैं, देखो पहले बात जब भी बीटा और अल्फा का नाम आता है तभी हमें पता होना चाहिए बीटा और अल्फा किस में आ सकते हैं. बीटा और अल्फा आपका आ सकता है इन द केस ऑफ आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर. इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर यू कैन आस्क अबाउट बीटा एंड अल्फा. तो बीटा और अल्फा के बारे में अगर पूछा है हमें तो हमें उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. पहले लीनियर बना ले क्या, सी एच ओ ग्रुप तो होगा ही और लास्ट वाला सी एच टू ओ एच होगा ही, बीच में चार कार्बन आ जाएंगे उसमें से इधर ओ एच सबके पास रहेगा इधर और यहाँ पे एच थर्ड वाले कार्बन पे उल्टा हो जाएगा OH और H. तो यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली देखोगे एक दो तीन चार आपको एसिमेट्रिक कार्बन देखने मिलेंगे, बट अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें हम लोग तो फिफ्थ और फोर्थ कार्बन के फर्स्ट और फिफ्थ के सी वन और फिफ्थ के कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है. तो अगर मैं फिफ्थ वाले कार्बन को भी मतलब फर्स्ट वाले कार्बन को अगर मैं खोलूँ तो सी यहाँ पे एच आ जाएगा और ये ओ जाके जुड़ेगा इसके साथ. ओके दिस ओ वुड बाइंड विद दिस, यहाँ पे जाके ऐसा जुड़ जाए तो ये भी एसिमेट्रिक हो गया. क्या देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन हो गया और एक हाइड्रोजन तो रहेगा इसके पास. ओके और एक हाइड्रोजन आ जाएगा. तो ऐसे करके आप अगर देखोगे OH, ओके अगर आपने देखा तो ये कार्बन ही आपका एसिमेट्रिक हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अगर आप फोर मार्क करोगे तो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एसिमेट्रिक पाँच हो जाएंगे. इसके पास दो हाइड्रोजन है ये तो होगा नहीं, पर सी वन से सी फाइव तक लेके सारे के सारे कार्बन आपको एसिमेट्रिक हो जाएंगे. अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो तो और अच्छे से समझेगा आपको. ओके ग्लाइकोलिसिस इज अ कन्वर्जन ऑफ, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके हम लोग किस में डालते हैं, पाइरुविक एसिड में. ओके पाइरुविक एसिड में उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस.
ओके, ये हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, ग्लूकोज टू हेम, ग्लूकोज टू ग्लूटामेट, पाइरूवेट टू सिट्रेट, ग्लूकोज टू पाइरूवेट, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट। ओके, फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स विद थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स, थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज, टू कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज एंड वन फॉस्फेट ग्रुप, वन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टू फॉस्फेट रेसिड्यूज। क्योंकि फॉस्फोलिपिड क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाओगे तो भी आपको पता चलेगा। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे फॉस्फोलिपिड का, और हम लोग ने पहले ही बता दिया कि फॉस्फोलिपिड इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, जो भी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आपका फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना रहता है। ओके, तो देखते हैं अभी फॉस्फोलिपिड का, देखते हैं ये क्या है। इट्स अ एस्टर ऑफ ग्लूकोज, एस्टर ऑफ ग्लूकोज मतलब एस्टर का फॉर्मूला क्या है, COOR। ओके, एस्टर, ये एस्टर फॉर्म हो गया, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। नाउ पहले तो बताओ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सी, इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम अगर पता रहेगा तो इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो एच आ जाएंगे, यहाँ पे भी दो एच आ जाएंगे। ओके, टेट्रावेलेंसी, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अब इसने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड इज एस्टर ऑफ, विथ एस्टर किसके साथ होगा तो फॉस्फोलिपिड बनेगा, फॉस्फेट तो आना ही चाहिए ना, एक इसमें एक आर सी ओ ओ आर डैश, नहीं आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, आर सी ओ ओ एच। अगर हम लोग ने तीनों को कर देते तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा, बट फॉस्फोलिपिड बनाए तो फॉस्फेट एक आना चाहिए, तो एच थ्री पी ओ फोर आपका एक रिएक्ट होगा। और एच थ्री पी ओ फोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पी ओ ओ एच एंड ओ एच, ये तो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा। अभी क्या होगा, इसमें से ओ एच एच, जब भी अल्कोहल और एसिड के बीच में होगा इसको हम लोग एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि एस्टर बनने वाला है। एस्ट्रिफिकेशन का अगर आप रिवाइज करोगे क्या होता है, एस्ट्रिफिकेशन इज बेसिकली ओ एच, बेसिक नेचर ऑफ एसिड एंड एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, इसका रहता है क्या, अगर आपने ये पढ़ा रहेगा एस्ट्रिफिकेशन, जो कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल दोनों ही चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ओके, एस्ट्रिफिकेशन शोज एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड बेसिक नेचर ऑफ, इट शोज बेसिक नेचर ऑफ आपका एसिड, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा एच टू एच टू ओ चला जाएगा, तो यहाँ पे सी एच टू, सी एच टू, वेट अगर मैं बनाना चाहूँ सी एच टू ओ सी ओ आर वन, फिर यहाँ पे सी एच ओ सी ओ आर टू, यहाँ पे सी एच टू, यहाँ पे भी एक वाटर एक ही चला जाएगा। ओके, यहाँ पे नॉर्मली आपका हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, सॉरी दो हाइड्रोजन चले गए, दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, एक ऑक्सीजन बचेगा यहाँ पे, तो फॉस्फेट एंड ओ एच एंड ओ एच, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर देखने मिले आपको, दो कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज और एक फॉस्फोलिपिड का एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें करेक्ट, टू कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज एंड वन फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन कौन देगा, देखो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, दे सकता है, देगा, देखते हैं बाकी सब। सुक्रोज, सुक्रोज दे सकता है कि इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल नहीं है तो टेस्ट कैसे देगा, तो सुक्रोज नहीं देगा। फैट्स एंड प्रोटीन्स तो देंगे ही नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होगा ही नहीं ऐसा। ओके, देखो प्रोटीन्स में आपको क्या देखने मिलता है, अमाइन ग्रुप, अमाइन फंक्शनल ग्रुप और आपका ये एसिड, तो देगा क्या, फैट्स में क्या देखने मिलता है, एसिड ग्रुप। ओके, जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देगा, ये सब देते हैं क्या, नहीं, तो ग्लूकोज ग्रुप द बेस्ट चॉइस होगा। व्हाट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ओके, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देयर आर फोर कार्बन एंड वन ऑक्सीजन एटम, ये करेक्ट है। ओके, तो अगर आपको ये लग रहा है कि यही करेक्ट है तो देख सकते हैं, बट आगे भी देखते हैं हम लोग। अमाइलोज इज द कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज, फिर प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, नो, प्रोटीन्स कभी भी होमोपॉलीमर्स नहीं हो सकते, होमोपॉलीमर कभी भी नहीं हो सकते, या पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल्स में, बायो के स्टेटमेंट दिया है, प्रोटीन्स आर नेवर कैन नेवर बी हो ये होमोपॉलीमर्स, क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स देखो 20 अमाइनो एसिड के मिक्सचर से बनता है, कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं है कि जो एक ही अमाइनो एसिड, जैसे कि मिथियोनिन, मिथियोनिन मिथियोनिन ऐसे डाल डाल के प्रोटीन बनाते हैं, नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स, तो इट इज नेवर अ होमोपॉलीमर, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ओके, नाउ अमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलोज, नो, सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर है आपका। ओके, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो जो रहते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दिस टू कंपोनेंट्स आर सीन इन अमाइलोपेक्टिन, दीज आर द टू कंपोनेंट्स सीन इन स्टार्च,
ओके, स्टार्च और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में आपको देखने मिलेगा। ग्लाइकोजन में अमाइलो पेक्टिन का कॉन्टेंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू स्टार्च, बट ये दोनों ही कॉम्पोनेंट आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन में देखने मिलेंगे, ना ही सेल्यूलोज में। ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू कॉम्पोनेंट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ऑफ ग्राम स्ट्रक्चर एंड सेल्यूलोज सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन कार्बन, स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, हेंस द स्टार्च गिव्स I2 मतलब ब्लू सोल्यूशन, ब्लू कलर विथ I2 सोल्यूशन। ये टेस्ट भी आपने पढ़ा रहेगा, स्टार्च टेस्ट। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सी भी गलत हो गया। फिर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देर आर 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। देखते हैं, देखो ये किसके बीच में बनता है आपका फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का पहली बात तो ग्रुप क्या है, इट इज़ अ कीटोनिक ग्रुप, और कीटोन हमेशा एंड में नहीं रह सकता, कीटोन हमेशा बीच में ही होगा। ओके, तो इसमें कीटोन हमेशा ही बीच में ही रहेगा, दो कार्बन के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका कीटोन का स्ट्रक्चर बनेगा सी, यहाँ पे कीटोन, फिर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हो गया 6। फिर ये कैसे बॉन्ड बना दें, यहाँ पे इसके साथ जाके जुड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन और आपका ये 5, तो ये ऐसा कुछ फ्यूरिनोज रिंग बनेगा, 5 कार्बन फ्यूरिनोज रिंग। ओके, कुछ ऐसा 5 मेंबर रिंग, उसमें से 4 कार्बन होगी ऑक्सीजन, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी कुछ पार्शियली हद तक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ये तो पता ही है, ये है, बट इसमें अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही है, बट दिस बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट, सो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आ जाएंगे इस केस में ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज एम जी इज प्रेजेंट इन द इन विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्च, बोथ, क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ये तो हमें पता ही है। ओके, एम जी इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करना काम कर रहा है, जो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, Mg2+ और ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ रिंग वाला होता है ऐसा। ओके, इट मेंटेन्स दिस रिंग स्ट्रक्चर।